अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नवीसा का बोझ अब मैं आप पर नहीं रहने दूंगी। ये डॉक्टर अंकल ना, जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ मुझे यहीं घेर खाने के लिए कहते हैं। वो इसलिए मेरी जान, ताकि साबूदाने के डर से तुम बीमार पड़ो ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक मेरे प्रोजेक्ट पर भी थोड़ा सा नजर डाल लो, और अगर तुम्हें मुनासिब लगता हो तो उस पर काम शुरू करें लोग। देखो, अगर फायदेमंद है तो तुम भी प्रोजेक्ट बना कर ले आओ। अल्लाह ने चाहा तो हम लोग जरूर साथ में काम करेंगे। मैं आपसे अपने शौहर सैयद फरमान इलाही के लिए नफीसा का हाथ मांगने आई हूँ। नफीसा, अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोल दो, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी तकदीर के बंद दरवाजे खोलने आई हूँ, तुम्हें गरीबी से निजात दिलाने आई हूँ, ताकि तुम गमों की कैद से बाहर हो सको, आजाद हो सको। नहीं बाजी, नहीं, हमारी जिंदगी को और सख्त मत दीजिए, मत कीजिए हमारे साथ ऐसा मजाक, मत कीजिए। ये मजाक नहीं है नफीसा, मुंबई से मैं तुम्हारे साथ मजाक करने नहीं आई हूँ। तुम मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं चली जाऊंगी, पर एक बार दरवाजा खोल दो, खोल दो दरवाजा नफीसा। खाला, नफीसा बेटी, बेटी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल मेरी बच्ची। बेटी इसकी बात मान ले, ये सच कह रही है, ये तुझे दासा बनाकर नहीं रखना चाहती, फरमान की शरीके हयात बनाना चाहती है, मान ले मेरी बच्ची। नफीसा, अगर तुम्हें मेरी बात नागवार गुजरे तो तुम इनकार कर सकती हो, बाखुदा मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, मेरी बात तो सुन लो। देख बेटा, आज मैंने तेरे लिए क्या क्या बनाया है। वाह मम्मी, आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे किस वक्त क्या चाहिए? अरे पागल, 9 महीने अपने पेट में रखकर गोश्त दिया है तुझे, इसलिए औलाद के दिल की धड़कन कोई सुने या ना सुने माँ तक जरूर पहुंचती है। बेशक अम्मी जान, आप कभी कभी बहुत सही बात कहती हैं। आज और एक सही बात कहूँ बेटा? हाँ कहिए, आज आपके दिल से निकली हुई हर बात मैं सुनूंगा। तो तू अपने अब्बू के दिखाए उन तमाम ख्वाबों को भूल जा जो नरगिस से ताल्लुक रखते हैं। देख बेटा, ख्वाब ख्वाब होते हैं, और हकीकत को समझे बगैर जो ख्वाब के पीछे भागते हैं वो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। बेटा तू सोच, जर्रा कभी आफताब बन सकता है? नहीं ना। देख बेटा, बादशाह के सर के ताज पर अगर धूल लग जाए तो वो ताज नहीं कहलाती, बल्कि उस पर नजर पड़ जाए तो उसे साफ कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह नरगिस भी फरमान भाई के सर का ताज है और हम धूल हैं, धूल। अम्मी आप ऐसी बातें मत करिए। देख बेटा, मैं जानती हूँ मेरी बातें सुनकर तुझे बहुत गुस्सा आ रहा होगा,
लेकिन यही सच्चाई है मेरे बेटे, वो अरबों की दौलत के मालिक हैं और हम उनके मुलाजिम हैं। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं है मेरे बच्चे। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं है मेरे बच्चे। बेटा भूल जा नरगिस को, संभाल अपने आप को। यूं पागल न बन। दूसरा खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे को बरगलाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा आपने, आपसे बुरा इंसान इस दुनिया में है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना दावे से कह सकती हूँ कि आपसे बुरा बाप इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ नहीं होगा, क्योंकि एक मैनेजर होकर एक बाप इसके बाप की तरह दो कौड़ी के आदमियों के सामने बेइज्जत नहीं हुआ होगा। माफी नहीं मांगी होंगी। मैंने माफी मांगी है, जिल्लत सही है, अब वो जिल्लत मैं उनको दूंगा इसके जरिए, इसका निकाह नरगिस से करवा के। और अगर तुमने मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं किस हद तक गिर सकता हूं इसका गुमान तुम्हें नहीं होगा। क्या करेंगे आप, जान लेंगे ना मेरी? ये कर सकते हैं आप, इसका इल्म है मुझे। तो फिर क्यों मरना चाहते हो मेरे हाथों से? देखना चाहती हूँ, जिंदगी लेने या देने वाला तो अल्लाह है, क्या यह हक शौहर हासिल कर सकता है? और अगर अल्लाह की मर्जी के बगैर यह हक शौहर हासिल कर सकता है तो अल्लाह इसका इंतकाम कैसे लेता है? जवाब दूंगा, इसका जवाब दूंगा नुसरत तुम्हें। मैं इंतजार करूंगी। वो जवाब देंगे और आप इंतजार करिएगा, लेकिन मुझे मेरी नरगिस चाहिए। नरगिस बेटा। अबूजान आप आ गए? पहले यहां बैठो। सबसे पहले हमें यह बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास। अबूजान आप मुझे ये बताइए कि आपकी ये सांसें इस कदर बेकाबू क्यों हैं? वो ऑफिस से आने में देरी हो गई और हमें आपकी तबीयत की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए हम गाड़ी से उतरकर सीधे आपकी तरफ भागते हुए चले आए। अब्बू जान आप भी ना, दोपहर को तो फोन करके बताया था, फिर भी फोन पर बताया था लेकिन हमारी नजरों ने अपने बेटे को देखा तो नहीं था ना। अब्बू जान दादी जान ने भी तो बताया था आपको, फिर भी आपको यकीन नहीं है। बताया था लेकिन हमारा ये दिल अपने बेटे को देखे बगैर यकीन नहीं कर सकता, एक ही तो बेटा है हमारा। अब्बू जान आई लव यू। और हम भी अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब्बू जान हम आपसे एक बात पूछें? कुछ भी पूछने के लिए आपको अपने अब्बू की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। अब्बू जान हमने देखा है हर वालदिन अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, लेकिन आपकी तरह प्यार कोई नहीं करता। आप हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं? सब वालदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं लेकिन उनकी मोहब्बत उनकी दूसरी औलादों में बंट जाती है। हमारी तो एक तुम ही औलाद हो बेटा, तुम ही हमारी बेटी हो और तुम ही हमारा बेटा, और तुम्हारे बगैर तो हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते बेटा। हम अपने हमारे लिए
नफीसा, हमारा एतबार करो। हम तुम्हें अपनी सौतन बनाकर नहीं, अपनी बहन बनाकर रखेंगे। ये सच है कि हमें तुमसे फरमान का चराग चाहिए, मगर ये भी सच है कि हम तुम्हारी बदरंग हुई जिंदगी में रंग भरना चाहते हैं। शमा, ख्याल अच्छा है, लेकिन खाला आप तो जानती हैं फरमान के पास दौलत की कोई कमी नहीं, उन्हें अच्छे से अच्छे घराने की लड़कियां मिल जाएंगी, और आजकल तो किराए की कोख भी मिलती है, हम वो भी कर सकते हैं। मगर नहीं, हमें तुम्हारा ख्याल आया, इस घर के बिगड़े हुए हालात का ख्याल करके ही हम यहाँ आए नफीसा। खामोशी ही ऐसे सवालों का जवाब होती है शमा। नफीसा बेटी हाँ कह दे, अपने लिए ना सही, अपनी बड़ी बहन के अजीम जज्बे की आबरू रखने के लिए हाँ कह दे, अपने ससुराल में कितनी यकीन और शान के साथ कहकर आई है ये। हमें अपने लिए खुशियां नहीं चाहिए अम्मी जान। तो अपने भाई फरहाद के लिए ही हाँ कह दे। अब जिसे मरना था वो तो मर गया, नसीब में था, अब कब तक मातम मनाएंगे हम। बेटी ये भी तेरे नसीब में है कि बेवा होने का दाग मिटना है, इसलिए मान जा बेटी, हाँ कह दे। देखो नफीसा, अल्लाह ताला तुम्हें फिर से खुशियों से नवाजना चाहते हैं, यूं खुशियों को ठोकर मत मारो, हाँ कह दो। कह दो नफीसा। बोल दे बेवकूफ लड़की, खुद चलकर आई है हम सबके मुकद्दर की रोशनी लेकर, क्यों अंधेरे में रखना चाहती है हमें भी और खुद को भी। हाँ कह दो, हाँ कह दो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा बुखार कैसा है। अम्मी जान मैं डॉक्टर अंकल से खूब लड़ाई करने वाली हूँ। क्यों भाई? क्योंकि बुखार तो आपके जाते ही इंजेक्शन की वजह से दम तोड़ चुका था, फिर ये फिजूल का आराम करने की हिदायत देकर मुझे आपके साथ जाने क्यों नहीं दिया। खैर छोड़िए इन सारी बातों को, आप मुझे ये बताइए अम्मी जान कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं ना। अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हो गए। यानी नफीसा आंटी अब्बू जान से निकाह करने के लिए तैयार हो गई? हाँ। वाओ। अच्छा सुनो, हम कल आ रहे हैं। नरगिस, आपके अब्बू जान कहाँ हैं? वो तो अपने कमरे में हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत की खबर सुनकर वो सीधे ऑफिस से मुझे मिलने के लिए चले आए। Really? मेरे अब्बू अम्मी दुनिया के सबसे अजीम अब्बू अम्मी हैं, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम।
क्यों अम्मी जान? ये भी नहीं जानती कि हर माँ बाप अपनी औलाद को बहुत प्यार करते हैं, और फिर जिनकी इतनी प्यारी बच्ची हो वो कैसे प्यार नहीं करेंगे अपनी नरगिस से। अच्छा फोन रखो, आराम करो और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जी अम्मी जान, खुदा हाफिज। नफीसा बेटी, मैं कहीं खुशी से पागल ना हो जाऊं। जैसे ही तू राजी हुई मेरे कानों में शहनाई के सुर गूंजने लगे। मुझे ऐसा लगा कि मैं नाचूं गाऊं, जोर जोर से चिल्लाकर कहूं कि या अल्लाह तूने वो सब कुछ दे दिया जो मैंने चाहा। अब मैं वो सब पूरा करूंगी जो मैं चाहती हूँ। हाँ ठीक है ना बेटी? हाँ ठीक है। नहीं वो मैं कुछ नहीं जानती। तुझे जानने की जरूरत ही क्या है? जो कुछ जानना है मैं जान गई हूँ और बाकी भी जान लूंगी। तुझे तो बस दुल्हन बनकर निकाह करना है और एक बच्चे की माँ बनना है। अल्लाह ने ये मेहरबानी की है तो बच्चा भी दे ही देगा। बच्चा देना या नहीं देना वो हमारे इख्तियार में नहीं है अम्मी जान। मनहूस जुबान मत खोल। वीराने बाग में भी अल्लाह ताला फूल खिला देता है। तुझे भी अल्लाह ताला औलाद जरूर देंगे। अरे पगली तू तो जानती है इस बेरहम जमाने से हमने तंगहाली में बहुत से सितम खाए हैं। बस एक बात का ख्याल रखना, तू मेरे कदम की ताल से बेताल मत होना। हाँ पता नहीं अम्मी जान, आपकी बातें आप ही जानती है। तो फिर जा, सो जा, रात बहुत हो गई है, ज्यादा सोचना ठीक नहीं है, जा सो जा। तू सो और मैं जागकर तेरा नसीब जगाती हूँ। काजल, काजल। अरे भाई जब देखो तब काजल को ही बुलाते रहती हो, कभी हमको भी पुकार लिया करो। आज आप इतने जल्दी घर में मौजूद हैं? ओ, गलती हो गई। आप कहें तो हम चले जाएं। आप मेरी बात का हमेशा गलत मतलब क्यों निकालते हैं? अरे भाई गलत आदमी हूँ इसलिए गलत मतलब निकालता हूँ, कोई खास बात नहीं है। अरे कुछ काम की बात हो जाए। काम की बात? अरे खा गई ना चक्कर। तुम भी सोचते होगे कि ये बेकाम का आदमी काम की बात कहाँ से उठा रहा है, लेकिन क्या करूं कहाँ जाऊं। अरे तुम तो मेरे दौलत के मंदिर की देवी हो, घूम फिर के इधर उधर भटक के फिर तुम्हारे पास आता हूं। बस वही एक चेक और वही एक दस्तखत। फिर से चेक? बस आखिरी बार बस एक बार तुम मेरे मुंह में इतनी दौलत ठूंस दो तो मैं आगे कुछ बोलने लायक ही नहीं हूं। देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिजनेस अब पहले जैसा नहीं रहा। 4 दिन पहले तुमने 20 लाख का चेक लिया था। अरे खाक डालो 20 लाख के ऊपर। अरे बूंद बूंद निकालने से कहीं समंदर खाली होता है ना? अरे 20 लाख दुगे पानी में हो जाओ उसे। अब मैं तुम्हें 10-20 लाख के लिए परेशान नहीं करूंगा।
क्योंकि अब मैं बिजनेसमैन बन गया हूं। बिजनेसमैन, बिजनेस करूंगा मैं। आप बिजनेस करेंगे? कोई शक? लेकिन हमारा ऑलरेडी बिजनेस है। बस देखो आसान है कि वो तुम्हारे बिजनेस में मेरा बहुत दम घुटता है, सफोकेशन होता है, यू नो। मैं तो अपना अलग बिजनेस करूंगा।